हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमर तस्कीर एंड वंस अगेन वेलकम टू WSQ टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे, कुछ एरर्स को देखेंगे जो हमारे गूगल सर्च कंसोल में क्रॉल से रिलेटेड कुछ एरर्स दिखाई देते हैं, उनको देखेंगे और समझेंगे किस तरीके से हम उनको उन एरर्स को हम रिमूव कर सकते हैं। चलिए यहाँ से चलते हैं सीधे लैपटॉप स्क्रीन की ओर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी एक प्रॉपर्टी सेलेक्टेड है गूगल सर्च कंसोल में। और एक बार हम लोग इंडेक्सिंग से रिलेटेड एरर्स की तरफ चलते हैं तो यहाँ इंडेक्स सेक्शन में आ जाते हैं हम लोग कवरेज में, और कवरेज में हमको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कितने एरर्स हैं। तो यहाँ पर कुछ आपको एरर्स दिख रहे हैं और नीचे आ जाए तो इस वक्त मैं एक पर्टिकुलर एरर पर बात करूंगा, वो है हमारा सबमिटेड URL हैज क्रॉल इशू, यानी कि जो आपका URL है वो क्रॉल नहीं हो पा रहा है। जब क्रॉल नहीं हो पाएगा तो इंडेक्स भी नहीं हो पाएगा। तो एक बार इसको क्लिक करते हैं हम लोग, सबमिटेड URL हैज क्रॉल इशू, तो आपको और ज्यादा यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो पर्टिकुलर यहाँ पर इशू आया है उससे रिलेटेड और इस इशू को किस तरीके से हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबमिटेड URL हैज क्रॉल इशूज अगर आप देखें तो इतने सारे जितने भी आपको नीचे यहाँ पर मेरे URL दिख रहे हैं, इन सभी URL के ऊपर ये पर्टिकुलर एरर है। और कब ये डिटेक्ट हुआ, फर्स्ट कब डिटेक्ट हुआ और स्टेटस अभी का एरर है। चलिए एक बार इसको टेस्ट करते हैं। तो जब सबसे पहले जो आपको URL का एरर दिखाई देता है उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग इस URL को ही कॉपी कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें दिख रहा है या ये दिख ही नहीं रहा है। एक बार आते हैं तो गूगल में तो ये URL हमें दिख रहा है अभी फिलहाल। चलिए, हो सकता है कैशे वगैरह का इशू हो तो इस URL को एक बार फिर से कॉपी करते हैं और इनकॉग्निटो मोड में ओपन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी ये URL लोड हो रहा है, यानी कि URL को लेकर कोई भी इशू नहीं है, URL हमारा लोड हो रहा है, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक बार इस URL को हम लोग क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर राइट साइड में, जैसे ही आप इस URL को क्लिक करेंगे यहाँ राइट साइड में आपको ऑप्शन दिख जाते हैं किस तरीके से आप इसको रिजोल्व कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है, testrobot.txt ब्लॉकिंग। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस URL को आपने ब्लॉक करके रखा हुआ है इसलिए इस URL को क्रॉल नहीं किया जा सकता है। तो इन जो भी ऑप्शंस होते हैं जनरली उनको आपको टेस्ट करना होता है तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्रॉल के इश्यूज क्यों आ रहे हैं। तो एक बार इसको भी देखने की कोशिश करते हैं, जैसे testrobot.txt ब्लॉकिंग को मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर। अगर हम लोग देखें यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा गूगल बॉट अलाउड है, कुछ चेंज करके देखते हैं एक बार, इमेज को देखते हैं टेस्ट करके, ये भी अलाउड है, फाइन। इसका मतलब robot.txt की भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो सीधे आप लोग चले जाएंगे, अब इसका सोल्यूशन किस तरीके से करना है, इंस्पेक्ट URL पर आ जाते हैं हम लोग। इंस्पेक्ट URL जो पुराना हमारा सर्च कंसोल है उसका फेच एज गूगल वाला ऑप्शन है। ये कुछ डेटा ले रहा है। हेयर इट इज, जो URL इंस्पेक्शन हुआ है उसमें भी हमको कुछ एरर्स दिख रहे हैं यहाँ पर। कौन कौन से एरर, इट कैन नॉट अपियर इन गूगल सर्च रिजल्ट अनटिल इट्स इंडेक्स्ड। ठीक है, ये बात तो समझ में आती है, इंडेक्सिंग जब तक नहीं होगी तब तक गूगल सर्च कंसोल में इसका रिजल्ट हमको नहीं दिखाई देगा। सबमिटेड URL हैज क्रॉल इशूज हैं, ये साइट मैप है यहाँ पर, लास्ट क्रॉल है गूगल बॉट, यस फेल्ड क्रॉल, जो फेल्ड क्रॉल क्रॉलिंग की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर दिखा रहा है, फाइन। आप चाहें तो ये रिपोर्ट और देख सकते हैं यहाँ पर, बट इसका कोई इशू नहीं है, ये तो हमारी कवरेज की रिपोर्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको इस तरह के इशू दिख रहे हैं और ये हमारी जो वेबसाइट है ये ओपन भी हो रही है, यानी कि ये जो URL है ये ओपन भी हो रहा है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। सीधे आपको टेस्ट लाइव URL करना है तो यहाँ से भी हमको पता चल जाएगा जो हमारा URL लाइव है उसको किस तरीके से इस वक्त गूगल सर्च कंसोल देख रहा है या गूगल के बॉट्स देख रहे हैं। अगर यहाँ पर HTML या स्क्रीनशॉट सब कुछ आ रहा है तो इसका मतलब सब कुछ ठीक है, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, बहुत ज्यादा चेंजेस आपको करने की जरूरत नहीं है। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं हम लोग, हाँ फाइन। URL इज अवेलेबल टू गूगल, इफ इट गेट्स इंडेक्स देन इट विल बी अवेलेबल, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है। यहाँ पर लाइव टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। व्यू टेस्टेड पेज देखते हैं तो HTML यहाँ पर रीड हो रही है, स्क्रीनशॉट भी रीड हो रहा है, मोर इन्फो इज ऑल ओके, एवरीथिंग इज ओके। आपको सीधे क्या करना है, सब कुछ आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखिए किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है इंडेक्स ना हो पाया हो किसी भी तरीके से, तो आपको सीधे यहाँ पर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पर क्लिक करना है और रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के ऑप्शन के थ्रू जो आपकी रिक्वेस्ट है फॉर इंडेक्सिंग ये सबमिट हो जाएगी और उसके बाद ये URL ऑटोमेटिकली इंडेक्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख रहा है URL was added to priority crawl queue, submitting a page multiple times will not change its queue position or priority, it's like that कि we have already submitted this
URL, सो कुछ टाइम लगता है, इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट हो चुकी है, कुछ टाइम लगेगा और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इंडेक्स हो जाएगा। अगर हमारा पेज यहीं पर नहीं आ रहा होता, जैसे यहां पर नहीं आ रहा होता, अभी मैंने इनकॉग्निटो में भी देखा, आप चाहें तो और कुछ टेस्ट भी कर सकते थे इस URL को चेक करने के लिए, प्रॉक्सी प्रॉक्सी पर चले जाते, प्रॉक्सी के थ्रू आप चेक करते थे कि कहीं ये URL ही हिट नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि हमारी वेबसाइट का URL ही काम नहीं कर रहा है। तो इन दैट केस जो क्रॉलिंग है, इंडेक्सिंग है, उसके इश्यूज तो समझ में आते हैं, बट यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं थे, आपको सीधे यहाँ पर रिक्वेस्ट करना है और ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। सो गाइज, इस तरीके से अगर आपको क्रॉलिंग के इशू दिखते हैं सो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बात करने वाला हूँ, ये जो दूसरा हमारा इशू है बेसिकली 404 से रिलेटेड, इसकी बात करेंगे, इसके सोल्यूशन को समझेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज वंस अगेन फॉर वॉचिंग।